बर्फबारी के बाद एक बार फिर 6 माह के लिए चांदी सी चमकी चूड़धार घाटी। सड़क, हेलीपैड, बेस कैंप व फर्स्ट एड जैसी मूलभूत सुविधाएं ना होने के चलते 6 माह तक यहां बंद रहती है लोगों की आवाजाही। नोहराधार चूड़धार मार्ग के लिए नाबार्ड द्वारा स्वीकृत किया जा चुका है 8.5 करोड़ का बजट। नई राहें नई मंजिलें योजना के तहत लोक निर्माण विभाग संगड़ाह द्वारा शुरू किया जा चुका है 1.5 करोड़ के ट्रैकिंग रूट का काम। हिमाचल के प्रमुख आस्था स्थलों में शामिल शिरगुल महाराज मंदिर चूड़धार में मौसम का पहला हिमपात होने के बाद यहां जाने वाले रास्ते व कपाट आगामी अप्रैल माह तक के लिए बंद हो चुके हैं। जिला सिरमौर के उपमंडल सगड़ाह के अंतर्गत आने वाली समुद्र तल से करीब 12,000 फुट ऊंची चूड़धार चोटी व 7 लगती घाटी स्नोफॉल के बाद फिर से चांदी सी चमक उठी है और ये खूबसूरती आगामी अप्रैल माह तक यहां देखी जा सकती है। गौरतलब है कि हिमाचल के पहले मुख्यमंत्री का विधानसभा क्षेत्र है रेणुकाजत व उपमंडल सगड़ाह के अंतर्गत चूड़धार के धार्मिक पर्यटन विकास के सरकार अथवा नेताओं द्वारा गत वर्षों तक संतोषजनक प्रयास नहीं किए गए। चूड़धार में सड़क, हेलीपैड, पहल सब सेंटर अथवा फर्स्ट एड जैसी मूलभूत सुविधाएं न होने के चलते हिमपात के बाद करीब 6 माह तक यहां लोगों की आवाजाही बंद रहती है और विषम परिस्थितियों में चूड़धार जाने वाले कुछ लोगों के कपाट बंद रहने के दौरान मृत्यु भी हो चुकी है। करीब 6 माह तक हिमपात के चलते बंद रहने वाली चूड़धार घाटी में हर साल बर्फ पिघलने के दौरान लाखों की संख्या में लोग यहां मौजूद शिरगुल महाराज मंदिर में पूजा अर्चना और दर्शनों के लिए भी पहुंचते हैं। वन्य प्राणी अभयारण्य चूड़धार में हिमालयन क्षेत्रों में पाए जाने वाले कई दुर्लभ जानवर भी इन दिनों देखे जाते हैं, जिनमें कस्तूरी मृग, बर्फानी तेंदुए, ओनाल व जजुराना आदि शामिल है। नाबार्ड द्वारा हालांकि नौराधार चूड़धार सड़क के लिए 8.58 करोड़ का बजट स्वीकृत किया जा चुका है, मगर उक्त बजट अब तक लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता संगड़ा को नहीं मिला है, जिसके चलते सड़क के टेंडर अभी नहीं हो पाए हैं। नोहराधार पंचायत की प्राइवेट लैंड में बनने वाली इस 8 किलोमीटर सड़क के बाद श्रद्धालुओं अथवा यात्रियों को चूड़धार के लिए केवल 7 किलोमीटर पैदल चलना पड़ेगा और इसके बनने के बाद यहां मुश्किल में फंसे लोगों को रेस्क्यू करना भी आसान हो जाएगा। बहरहाल हिमपात के बाद एक बार फिर चूड़धार घाटी की खूबसूरती को 4 चांद लग गए हैं और सोमवार को यहां मौजूद शिरगुल महाराज मंदिर के आसपास की तस्वीरें सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुई। गौरतलब है कि चूड़धार घाटी का एक पौराणिक नाम चूड़ चांदनी भी है और लोक गाथाओं के मुताबिक यह शिरगुल महाराज देवता की राजधानी हुआ करती थी। कहते हैं चांदनी रात में जो एक बार चूड़ चांदनी का नजारा देख लेता है इसे ताउम्र नहीं भूलता। हिमपात के बाद बेहद खूबसूरत दिखने वाली चूड़ चांदनी अथवा चूड़धार घाटी का जिक्र कई सिरमौरी लोकगीतों अथवा नाटियों में भी है।